हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन है, तो IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर AP बैंड ऑप्शंस के जरिए कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग जाकर AP बैंड ऑप्शंस के जरिए हॉटस्पॉट स्पीड को कैसे इनक्रीज़ कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि हॉटस्पॉट स्पीड को इनक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं IQ फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो हॉटस्पॉट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं हॉटस्पॉट की स्पीड को, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको उस पर जाना है और सर्च करना है AP बैंड। तो AP बैंड ऑप्शन से आपके फ़ोन में आ जाएगा और AP बैंड ऑप्शन के जरिए हॉटस्पॉट की स्पीड को इनक्रीज़ कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं फ़ोन में। तो AP बैंड पे जाते हैं एंड आप 5.GHz बैंड्स पे क्लिक करते हैं। तो 5.GHz बैंड्स पे क्लिक करके हॉटस्पॉट की स्पीड को इनक्रीज कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। AP बैंड पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि बैंड ऑप्शन आ जाएगा। तो हॉटस्पॉट की स्पीड को इनक्रीज कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। 5.GHz बैंड पे क्लिक करते हैं तो आपकी हॉटस्पॉट स्पीड आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी और हॉटस्पॉट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एंड आप चाहें तो नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर भी डायरेक्टली पहुँच सकते हैं सेटिंग्स पे। नहीं तो आप यहाँ से जाते हैं और हॉटस्पॉट पे जाते हैं, तो यहाँ से जाकर डायरेक्टली ऑप्शन पे आकर हॉटस्पॉट की स्पीड को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं AP बैंड को स्विच करके, और हॉटस्पॉट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वीडियो अच्छी लगी तो।